फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल फिटनेस के चार कंपोनेंट होते हैं, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ने वाले हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंड्योरेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि एंड्योरेंस को तो अप करेंगे या डाउन करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को अप करेंगे या डाउन करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड को फ्लेक्सिबिलिटी को अप करेंगे या डाउन करेंगे। तो हम इनकी डिफाइंस पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन्हें अप या डाउन करने वाले हैं, यानी इनके अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे दोस्तों एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल से डिफाइन अबाउट एंड्योरेंस की, एंड्योरेंस का मतलब होता है एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस का मतलब ये होता है वो एक्सरसाइजेस जिन्हें करने से आपका हार्ट, ब्लड, ये सारी चीज़ें पंप हो जाती हैं, यानी अफेक्ट करती हैं। और वो एक्सरसाइज कौन सी होगी, रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। तो आपको एग्जाम्पल भी मिल गया इसी के साथ। तो एंड्योरेंस की सिंपल से डिफाइन किया है, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। तो गाइस अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो एंड्योरेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी एंड्योरेंस को या तो अप करेंगे या डाउन करेंगे। उनको अप या डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, सबसे पहला आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी की लंग्स की फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, कितनी है, वही उसकी एरोबिक कैपेसिटी होती है। अभी इसमें तीन कंडीशंस आती हैं या तीन पार्ट्स कह रहा हूँ। सबसे पहला होता है ऑक्सीजन इनटेक, दूसरा होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तीसरा हो जाता है ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन इनटेक का मतलब होता है कि टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर बाय द लंग्स, यानी एटमोसफियर से आप जो ऑक्सीजन इनटेक करते हो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन इनटेक करना, आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मीन होता है जो ऑक्सीजन आपने इनटेक करी है, अब आप ऑक्सीजन जो इनटेक करते हो वो क्या होता है, सबसे पहले ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। ऐसे ही होता है ना, डायरेक्ट हवा तो नहीं घूमती आपकी बॉडी में। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय द लंग्स, उसके बाद क्या होगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा, देन ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में, तो उसे हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ऑक्सीजन अपटेक का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले टॉपिक में आपने ऑक्सीजन इनटेक करी, दूसरे में ट्रांसपोर्ट हुई, तीसरे में क्या हो गया, ऑक्सीजन अपटेक हो गई, यानी जो ऑक्सीजन आपने ट्रांसपोर्ट करी थी वो आप कंज्यूम हो गई, कंज्यूम होकर एनर्जी में तब्दील हो गई और उसका यूज हो रहा है। तो ऑक्सीजन अपटेक का मतलब हो गया घुमा फिरा के कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये क्या है, अब इस टॉपिक की पूरे में एक बार करके बात करते हैं कि एंड्योरेंस को इफेक्ट कैसे करेगा। एरोबिक कैपेसिटी क्या थी, फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, यानी कि आप फंक्शनल कैपेसिटी आपकी कैसे डिटरमाइन होगी, इनटेक से, ट्रांसपोर्ट से, अब तक से। तो ऑक्सीजन इनटेक कैसे होगा, अब एग्जांपल के तौर पे दो बॉडीज हैं, दोनों का हार्ट का साइज, लंग्स का साइज सब कुछ सेम है, लेकिन एक में एक्टिव एयर सेल्स ज़्यादा है, दूसरी बॉडी में एक्टिव एयर सेल्स कम है। तो ऑक्सीजन जब वो इनटेक करेंगे तो दूसरा वाला जो है दोनों ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, अब क्या होगा, दूसरा वाला क्या करेगा, जो उसके एक्टिव एयर सेल्स ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक होगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी सेल्स के द्वारा, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा और अपटेक कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एंड्योरेंस भी ज़्यादा आएगा। पर दूसरी बॉडी जिसमें एक्टिव एयर सेल्स कम है तो क्या हो जाएगा, एंड्योरेंस उसका ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनटेक ही कम करेगा, इनटेक कम करेगा तो ट्रांसपोर्ट कम होगी, ट्रांसपोर्ट कम होगी तो अपटेक यानी कंजम्पशन भी कम होगा। तो एंड्योरेंस की पहला फैक्टर जो एरोबिक कैपेसिटी आपको समझ में आया, क्या है, फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो समझ रहे हो आप फंक्शनल कैपेसिटी लंग्स की, पता कैसे चलती है, इनटेक से, ट्रांसपोर्ट से और अपटेक से, ठीक है। और इसमें क्या क्या फैक्टर्स, लंग का साइज मैटर करता है कि लंग्स कितना बड़ा है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन एटमोसफेयर से लेगा, एक्टिव एयर सेल्स कितने हैं उसके अंदर, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा एरोबिक कैपेसिटी को क्लियर हो गया। दूसरा आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, यानी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। अब ये फैक्टर कैसे एंड्योरेंस को अफेक्ट करेगा मैं बता देता हूँ। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या होता है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस एक ऐसी स्टेज है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जब भी हम या कोई भी फिजिकल बॉडी है, कोई भी ह्यूमन बॉडी जब वो फिजिकल एक्टिविटी करती है, तो जब हम करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है तो हमारी मसल जो होती है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस स्टार्ट कर, मसल जो है एक एसिड होती है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और वो एसिड उसके बाद क्या होता है, ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाता है उसी स्टेज को क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस स्टेज कहते हैं। समझ में आया, सिंपल सी बात, यानी कि पहले एक बॉडी है उसने फिजिकल एक्सरसाइज करी, फिजिकल एक्सरसाइज करते करते जब वो कर रहा है करते करते उसकी मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, अब वो एसिड जो है ब्लड में जाके मिलने लग गया। अब ये जो प्रोसेस है पूरा, ये जो स्टेज है
उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। अब ये फैक्टर एंड्योरेंस को कैसे इफेक्ट करेगा, मैं बताता हूँ। जिस बॉडी में लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की स्टेज जितनी डिले में आती है, लेट में आती है, उसका एंड्योरेंस उतना अच्छा होता है। जिसकी जल्दी आती है उसका एंड्योरेंस उतना कम होता है। तीसरा टॉपिक आता है हमारा मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है, देखो मैं बताता हूँ, दो तरह के फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में, स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। दो तरह के फाइबर होते हैं जो मसल कॉम्पोजिशन के अंदर आते हैं। अब स्लो ट्विच फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनकी जो एरोबिक कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और फास्ट ट्विच की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसका रिकवरी रेट बहुत लो होता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और रिकवरी रेट लेकिन लो है तो एंड्योरेंस में किसी काम के नहीं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूंगा मसल कंपोजिशन को आप एक्सप्लेन इस तरीके से करोगे, जिस बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच मैंने क्या बताया, उनकी एरोबिक कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिस वुमन बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है उसका एंड्योरेंस ज्यादा होगा, जिसमें फास्ट ट्विच ज्यादा है उसका एंड्योरेंस थोड़ा कम होगा। समझ में, क्योंकि स्लो ट्विच का कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है, एरोबिक कैपेसिटी का, और फास्ट ट्विच का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी रिकवरी रेट बहुत लो होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है स्ट्रेंथ में बिल्ड करने का। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एनर्जी रिजर्व्स या एडिक्वेट फ्यूल प्रोविजन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा एनर्जी रिजर्व है। जितना ज्यादा एनर्जी रिजर्व आपकी बॉडी में है उतना ही ज्यादा अच्छा आपका एंड्योरेंस होगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं एनर्जी रिजर्व को। एनर्जी रिजर्व जो आपने खाना खाया, वो खाना आपकी बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, वो खाना जब एनर्जी में कैसे प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं, सबसे पहले क्या होगा, वो ब्रेकडाउन होगा, एब्जॉर्ब करेगी मसल्स उसका आपके इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या होगा आपकी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, एटीपी उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी से आपका एंड्योरेंस इफेक्ट करेगा। यानी जिस बॉडी में जितना ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा एंड्योरेंस बढ़ेगा, जितना कम एटीपी प्रोड्यूस होगा उतना एंड्योरेंस गिरेगा। और एटीपी प्रोड्यूस हो कैसे रहा, खाने से। तो एनर्जी रिजर्व आ गया ना वही सेम, तो एनर्जी रिजर्व जिस बॉडी में ज्यादा है, यानी कि खाना या जिसे आप डाइट कह दो, जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, उतना ज्यादा एंड्योरेंस होगा, जितना कम करोगे उतना कम एंड्योरेंस होगा। तो एनर्जी रिजर्व इस तरीके से फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। अगला जो आता है हमारा फ्रेंड्स, इसका नाम है स्ट्रेंथ टॉपिक। अगला स्ट्रेंथ की सिंपल से डिफाइन है आपकी एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। सिंपल से डिफाइन है आपकी मसल्स की एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अब ये छह टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर छह टॉपिक्स ही असल में फैक्टर हैं जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले हैं, यानी कि वो फैक्टर जो स्ट्रेंथ को या तो अप करेंगे या डाउन करेंगे। सबसे पहला आता है टाइप ऑफ मसल फाइबर। अब टाइप ऑफ मसल फाइबर स्ट्रेंथ को अप या डाउन कैसे करेगा, मैंने आपको भी पिछले टॉपिक में बताया, दो तरह के फाइबर होते हैं स्लो ट्विच फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच का क्या कैरेक्टरिस्टिक था, एरोबिक कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फास्ट ट्विच की क्या थी, रिकवरी रेट बहुत लो था पर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। तो सेम यहाँ पे मसल फाइबर का रोल आपको पता चल गया कि कौन सा फाइबर जो है जिस बॉडी में ज्यादा है तो स्ट्रेंथ को अफेक्ट कैसे करेगा। दूसरा होता है लिम्ब लेंथ। लिम्ब लेंथ का मतलब होता है गाइस अंग की लंबाई, यानी कि जिस बॉडी में अंग की लंबाई शॉर्ट है, यानी जो शॉर्ट अंग होते हैं जो बहुत घटीले होते हैं छोटे होते हैं, उनका स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग लेंथ लंबी लंबाई। तो लिम्ब लेंथ ऐसे अफेक्ट करता है, जो शॉर्ट लिम्ब लेंथ के होंगे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कम लिम्ब लेंथ के होंगे स्ट्रेंथ कम होगी। अगला है बॉडी वेट। बॉडी वेट का सिंपल सा मैटर है, जिस बॉडी वेट का ज्यादा वेट होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिस बॉडी का वेट कम होता है स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। बॉडी वेट में हेल्थी बॉडी वेट की बात कर रहा हूँ, ओबेसिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स होती है गेम्स होती है उसमें वेट कैटेगरी रखी जाती है, क्यों, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है, इसलिए सेम वेट कैटेगरी के ही प्लेयर्स को आपस में कम्पीट कराया जाता है। एज, एज वाला फैक्टर स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है कॉमन सेंस है कि एज, एज अगर जितना बंदा यंग है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, जितना ओल्ड एज है हाइयर एज का है स्ट्रेंथ उतनी कम है। लेकिन इसमें एक एडिशनल लाइन हमें और ऐड करनी होती है। एडिशनल लाइन क्या है कि ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्कआउट के दौरान ये स्ट्रेंथ फैक्टर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगला आता है जेंडर। जेंडर का सिंपल सा है, मेल एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फीमेल की स्ट्रेंथ कम होती है। रीजन क्या होता है इसका, सिंपल सा एक रीजन है, ड्यू टू बायोमैकेनिकल एडवांटेज। इन बायोमैकेनिकल एडवांटेज है, यानी भगवान ने ही वैसा ही बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर से ऊपर से ऐसा बन गया है। तो मेल की एज कम्पेयर टू फीमेल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फीमेल की कम होती है। उसके बाद अगर टॉपिक आता है न्यूरल एफिशिएंसी। न्यूरल एफिशिएंसी कैसे अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को मैं बताता हूँ गाइस। हमारी बॉडी में हम कोई भी काम करते हैं,
वो होता कैसे, जब तक आपका ब्रेन कमांड ही नहीं देगा, नर्व सिस्टम एक्टिविटी नहीं होगा तो कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम है वो कमांड देता है, ज्यादा से ज्यादा मोटर सेल्स एक्टिव होंगे, मोटर सेल्स एक्टिव होंगे तभी तो आप कोई एक्टिविटी कर पाओगे। तो न्यूरल एफिशिएंसी वही होती है, जिसकी न्यूरल एफिशिएंसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ वो बॉडी क्रिएट कर पाएगी, एक्टिविटी कर पाएगी, जिसकी कम होगी वो उतना कम कर पाएगी। तीसरा आता हमारा स्पीड। स्पीड की दोस्तों सिंपल से डिफाइन है, स्पीड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी एट ए मिनिमम पॉसिबल टाइम, एक मिनिमम पॉसिबल टाइम के दौरान जो कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, वो होती है हमारी स्पीड की, डिफाइन होगी सिंपल से। अब स्पीड के कौन से फैक्टर्स हैं, पांच सिंपल से फैक्टर्स हैं जो स्पीड को अफेक्ट करेंगे। देखो सिंपल सा फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, पहला आता है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम की तीव्रता, आपका नर्वस सिस्टम कितनी तीव्रता से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दो बॉडीज हैं, सब कुछ सेम है, हाइट वेट बॉडी सब कुछ इक्वल है, लेकिन दोनों में फास्ट कौन होगा, जिसका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, कि कितने अच्छे तरीके से वो कमांड देता है, यानी अपने मोटर सेल्स को, एक्टिव सेल्स को, हर एक चीज के लिए, एक्टिविटी के लिए नहीं, इवन आप जो सांस भी लेते हैं वो कमांड भी नर्वस सिस्टम दे रहा है। तो आपके जो नर्वस सिस्टम की कितने अच्छी जो पल्सेस हैं, ये सारी चीजें हैं, कनेक्शन कितना है मोटर सेल्स, एक्टिव सेल्स के बीच में, नर्वस सिस्टम के बीच में, जो ये सारा साइंटिफिक कनेक्शन है वो कितनी तीव्रता से काम कर रहा है, कितनी फास्टली काम कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जिस बॉडी में स्ट्रक्चर जो मोबिलिटी का होगा, फास्टली काम करता है, तीव्रता काम करता है, उसका स्पीड ऑटोमेटिकली हाई होगा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी, समझना। दूसरा आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है गाइस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में, कम से कम टाइम में जो आप एक्सेसिव स्ट्रेंथ लगा के एक्टिविटी करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंट खींचते हो आप, 10 मीटर 100 मीटर की होती है स्प्रिंट, एकदम से खींचते हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी मिनिमम टाइम के अंदर जो आप एक्सेसिव स्ट्रेंथ लगा के जो एक्टिविटी करते हो वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है। तो जिस बॉडी की जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी। तीसरा आता है गाइस एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है जब हमारी कोई बॉडी, हमारी बॉडी कोई काम करती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी वर्क डन या फिजिकल एक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं एनारोबिक कैपेसिटी। तो आप फॉर एग्जाम्पल स्विमर होते हैं, वो पानी के अंदर चले जाते हैं, 20 मिनट रहता है, कोई 25 मिनट रहता है, कोई 50 मिनट 30 मिनट, जो वट एवर जो भी उनका होता है होल्डिंग रिकॉर्ड, ठीक है। तो जिस बॉडी में एनारोबिक कैपेसिटी जितना ज्यादा होगी उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है मेजर रोल प्ले करता है, ऑब्वियस बात है जिनका शरीर ज्यादा गठीला है, स्ट्रेंथ ज्यादा है जिनकी, वो इतना अच्छा स्पीड में परफॉर्म नहीं कर पाते, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्पीड में आपको रनिंग करनी होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिस एनाटॉमी समझ गए ना, बॉडी की बात करूँगा, तो जिस एनाटॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी कम है उसकी कम है। सेम वही पहला वाला टॉपिक आ गया, दोबारा रिपीट, बायोकेमिकल रिजर्व। बायोकेमिकल रिजर्व मैंने बताया हुआ आपको, जिस बॉडी में खाना ज्यादा होगा ऑब्वियस ही बात है बायोकेमिकल रिजर्व उसी को कहते हैं, ठीक है, आपका फ्यूल गेन। तो जिस बॉडी में फ्यूल ज्यादा गया है उसमें क्या होगा, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एटीपी समझ रहे हो ना, एनर्जी सेल्स ज्यादा बनेंगे, फिर एनर्जी सेल्स जब ज्यादा बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी सेल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो स्पीड कम पड़ेगी। अगला आता है आपका टॉपिक आता है फ्लेक्सीबिलिटी। फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब होता है, फ्लेक्सीबिलिटी की सिंपल सी डिफाइन है रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, ठीक है, विदाउट स्ट्रेन, यानी कि बिना किसी तनाव के जो आप मूवमेंट्स करते हैं, जितना मूवमेंट आप कर पाते हैं अपने जॉइंट्स से या अपनी बॉडी से बिना तनाव के, स्ट्रेन वर्ड का यूज करना है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो सबसे पहले इसमें 1, 2, 3, 5 फैक्टर्स इसके अंदर ज्यादा भी आते हैं, यहाँ पे 5 मेंशन कर रखे हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। सबसे पहला आता है मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, गाइस जिस भी एनाटॉमी मीन्स ह्यूमन बॉडी, मसल स्ट्रेंथ ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, क्योंकि उसके जो मसल्स होगी वो हार्ड होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी उस हिसाब से अच्छी नहीं है। तो जिसकी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली लो होगी। जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हर जॉइंट, आपकी बॉडी में तरह तरह के जॉइंट स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको कहते हैं, आपकी उंगली का जॉइंट, पैर का अंगूठा, यहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं, तो हर जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। आपका ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो शोल्डर में, आप हाथ को ऐसे घुमा सकते हो, आप हाथ को ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है। और आप अंगूठे को कर सकते हो, छोटे उंगली को कितना घुमा सकते हो,
इतना ज्यादा इसको तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या है, जॉइंट्स भी फैक्टर फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका एज। एज कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है, सिंपल सी बात है, एज जो जितना यंग होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, जितना ओल्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसमें भी एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, ड्यू टू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। अगला आता है जेंडर। जेंडर में सेम आपको ये करना है, फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मेल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। रीजन क्या डालना है, ड्यू टू बायोमैकेनिकल एडवांटेज, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा होता है, बायोमैकेनिकल एडवांटेजेस ये ऊपर वाले से, क्योंकि फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू इसी वजह से ज्यादा होती है, मेल की कम होती है। रीजन सेम आपको डालना है, ड्यू टू बायोमैकेनिकल एडवांटेज। अगला आता है प्रीवियस इंजरी। प्रीवियस इंजरी कैसे अफेक्ट करता है दोस्तों, आपके जॉइंट्स में किसी भी तरह की प्रीवियस इंजरी है, कोई पुरानी चोट लगी हुई है, कोई भी डिसीज है, कुछ भी व्हाटएवर है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी। पर जिस एनाटॉमी यानी जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब नहीं है, कोई प्रीवियस इंजरी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये टॉपिक था मोस्टली 50% चैप्टर जो था इसी टॉपिक पूरा ये है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर।